आई एम परफेक्ट। आप बताओ सब लोग कैसे हो? दैट्स गुड इफ यू आर सुपर ब्लेस्ड। आई एम ऑल राइट। नो मैम, फॉर व्हाट? नो नॉट गुड। हु इज नॉट गुड? क्या हुआ जगजीत आपको? ओ टेक केयर, द वेदर इज गोइंग अबाउट टू चेंज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। या वायरस, ओ माई गॉड, पॉल्यूशन, या दैट इज देयर। सो हाउ वॉज योर वीकेंड? हाउ वॉज योर संडे? नाइस। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू एसे अनएम्प्लॉयमेंट अ ग्रोइंग चैलेंज। बाय अनएम्प्लॉयमेंट अ ग्रोइंग चैलेंज, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है आप बताओ मुझे। यस, पीपल डोंट हैव जॉब्स, पीपल डोंट हैव द सोर्स ऑफ इनकम। यस, तो कहते हैं कि ये एक ग्रोइंग चैलेंज है। ग्रोइंग चैलेंज का मतलब क्या हुआ? ओके, यू आर सेइंग विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट्स गोइंग टू इंक्रीज। यस, ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? पेंडेमिक से पहले भी थी अनएम्प्लॉयमेंट। इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम।
Instability in economy. Less expenditure by the government. Government is planning properly. Government is not able to plan properly. You can say our education system just focus on the degrees rather than providing the real knowledge. There is a lack of practical studies. Authorities indulge students to focus on a theoretical part. Lack of skills. Lack of infrastructure. Okay, you people are having the data, but still we are also, I have sent you the link also, na? Let's read that and try to understand what can be done. Should we? क्या हम लोग पढ़े? हम ये देखते हैं हम इसमें कैसे कैसे वोकेबुलरी ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सो शुड वी गो अहेड? कहते दिस हैज बीन वन ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज दैट द गवर्नमेंट हैज टू एड्रेस विद ऑलमोस्ट इनजेन्युइनिटी. द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल इश्यू है जो गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है विद अटमोस्ट इनजेन्युइनिटी, मतलब वो जेन्युइन नहीं है इस चीज के लिए. और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक कंट्री में वो क्या है, वो बढ़ता ही जा रहा है. द सी ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब सी ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब जहां पे लोग ह्यूमन वैल्यूज को कदर करते थे, स्पेशली द यूथ, कैन बी सीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर टू सेट इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, और इफ नॉट हार्नेस्ड एडिक्वेटली मे स्पेल एन एक्सिस्टेंशियल डिजास्टर फॉर द नेशन इन द कमिंग ईयर्स. कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप उसको रिसोर्सफुली यूज करवाओ तो वो एक कंट्री को, मतलब इंडिया को, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है. बट अगर नहीं करवाओगे तो वो क्या है, बिल्कुल रियून भी कर देगी. बेटा स्लाइड नहीं है, आई हैव गिवन यू द लिंक, यू नीड टू ओपन दैट लिंक. गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्टेप्स टू चेक जॉब लॉसेस. कहते हैं गवर्नमेंट को मतलब स्टेप्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिससे वो चेक करेंगी कि क्या जॉब लॉसेस हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट. और अनएम्प्लॉयमेंट के बोथ दोज मेजर्स अपीयर्स टू हैव फॉलन शॉर्ट टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट. एक तो कि जॉब क्यों लोगों की जा रही है, लोग अनएम्प्लॉयड क्यों है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सके. This issue needs to be assessed at multiple levels. कहते इस issue को government को multiple levels पे देखना पड़ेगा with the multitude of actions that are discussed in the forthcoming paragraph. क्या कहते हैं कि government को ये issues को जो है वो multiple levels पे देखना पड़ेगा, multiple levels पे address करना पड़ेगा. बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम अनएम्प्लॉयमेंट से कभी भी बाहर नहीं आ सकते. सो दैट इज व्हाई.
मेजर रीजंस ऑफ फॉर ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कहते क्या रीजंस हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। द रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री है ना इज अनेबल टू कीप द पेस विद द पॉपुलेशन एट विच द पॉपुलेशन इज गोइंग ग्रोइंग। यानी क्या मेन रीजन क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की उतनी नहीं हो पा रही है जितनी की उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। इस कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ी जा रही है, मतलब पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल जो जॉब चाहते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके अकॉर्डिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन है वो प्लान्ड वे में होनी चाहिए और हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया इज एन आर्गन इकोनॉमी एंड हेंस द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। और इंडिया जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो उस पे फॉलो करता है, यू कैन से दैट क्लाइमेट के ऊपर है ना। अगर क्लाइमेट के ऊपर फॉलो करता है या डिपेंड करता है तो उसके कारण क्या है कि अगर क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा तो पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को राइज करेगा, ठीक है। इवन जैसे क्लाइमेटिक रीजंस के कारण क्या हो रहा है, वेदर जो है वो उल्टा पुल्टा हो रहा है और फार्मर्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। आ रहा है समझ आप लोगों को? उसके बाद क्या है, एक और रीजन ये है कि एक तो चलो ठीक है भी क्लाइमेट के कारण ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट के कारण फार्मर जो है उनको स्ट्रेस हो रहा है। अनदर मेजर रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इज एडिक्वेट अटेंशन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब वो कहते हैं अगर फार्मिंग से हमारी पॉपुलेशन जो है वो अपने लिए लाइवलीहुड नहीं पर कर पा रही है, मींस अर्निंग नहीं कर पा रही, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तो था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका उसके कारण उसका क्या, मतलब उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए था बट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी इक्वली अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती ही जा रही है। During the 1950s and 1960s, India and China started their economic journey. मतलब India और China ने कहते हैं अपनी economic journey इकट्ठे start की थी. India focused on bringing green revolution, है ना? But जो China थी, उसको क्या करना था? उसको manufacturing में आना था. तो वो manufacturing में आ गई, ठीक है? तो जो वो थी वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जब मैन्युफैक्चरिंग में आ गई तो उसने क्या करा, उसने ग्रो कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, बट ये लोग जो हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। सो दैट वाज द रीजन। Argaran means obviously the agricultural economy, the economy that is based upon agriculture. ठीक है, मतलब agricultural economy का क्या मतलब है, वो economy जिसमें आपको जो पैसा है वो agriculture के through आएगा। तो वो कहते हैं agriculture के through पैसा तो आएगा बट ये है कि ये वाला जो सेक्टर है ये डिपेंड करता है मोस्टली किसके ऊपर,
ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, और क्लाइमेट के कारण क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस कहीं पे मतलब सही ना हो, बारिश ज्यादा हो जाए या बारिश हो ना, या धूप ना आए और क्रॉप्स को चाहिए हो, तो वो क्या होता है, क्रॉप्स खराब हो जाती है। अगर क्रॉप्स खराब हो जाती हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो उस बंदे को इफेक्ट तो जरूर करती है, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको तो इफेक्ट बहुत करती है। आ रही है समझ आपको इस चीज की? ड्यूरिंग द 19 स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर, ये बात भी हमने कर ली है कि दे हैव स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर टूगेदर बट स्टिल वॉज नॉट एबल टू डू इट। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर मासिव इन्वेस्टमेंट इन R&D। मतलब क्या होता है R&D का, मतलब क्या होता है, चलो पहले ये बताओ R&D का मतलब। यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, एंड दे सेड कि वो पैसा चाहिए था बट ये लोग क्या है, ये पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाए, सो दैट इज वाई क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, प्रोक्रूटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव मशीनरी, कैसे कैसे चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा चाहिए था, मैन पावर में पैसा चाहिए था, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है, एनर्जी चाहिए थी, एक्सपेंसिव मशीनरी चाहिए थी, जिसके कारण क्या है जो कि बहुत कम मात्रा में जो थी अवेलेबल थी इंडिया में। तो इसके कारण क्या है कि इंडिया जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया जिस हिसाब से चाइना डेवलप कर गया। विद द ब्रेकअप ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, द मास्ट अनएम्प्लॉयमेंट दैट वाज सीमिंगली बीइंग डन बाय द वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी हु सिंपली अटैच देमसेल्व्स विद द अर्निंग ऑफ द जॉइंट फैमिली आर नाउ हाईली अनएम्प्लॉयड। कहते हैं कि क्या हुआ कि पहले जो हमारी कल्चर था उसमें जो थी, जो सोसाइटी थी उसमें जॉइंट फैमिलीज होती थी, बट आज के कारण क्या हुआ, आज जो सिस्टम आ गया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज, जो जॉइंट फैमिलीज थी वो क्या होगी, डिस्पर्स हो गई, टूट गई, बट जो लोग जॉइंट फैमिलीज में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे वो लोगों के लिए मुश्किल हो गया, और वो लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हो गए। आ रही है समझ? पहला रीजन हमने बोला एग्रीकल्चरल सेक्टर, हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिलोंग करते हैं, इसके कारण वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, और क्लाइमेट में अनसर्टेनिटी आने के कारण नुकसान हो जाते हैं और हम लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब इंडियंस। ठीक है, देन द सेकेंड रीजन वॉज कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा चाहिए था, मशीनरी के लिए पैसा चाहिए था, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, और हम लोग उसके लिए कैपेबल नहीं थे, तो इसके कारण क्या है, हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई, एंड इफ वो डेवलप नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली क्या हुआ, हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। थर्ड रीजन है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर बीइंग क्रिएटेड, सो दैट इज व्हाई आल्सो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। आ रहा है समझ? तीन पॉइंट समझ आ गए आपको। आप रीजंस लिख रहे हो, फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इज इट क्लियर? बताओ जी, क्लियर है?
एनीवन हु इज हैविंग अ डाउट एंड इज नॉट एबल टू क्लियर दिस थिंग कि क्यों हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. नो डाउट मीन्स यू फाइंड इट कि ये जो है जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है. पेपर में भी आ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज ऑल्सो अ करंट टॉपिक. इट इज ऑल्सो अ टॉपिक बिकॉज दिस इज द ओनली दिस इज अ प्रॉब्लम विच द इंडियन पीपल और इंडियन सोसाइटी इज फेसिंग. सो दीज प्रॉब्लम कैन बी डायरेक्टली आस्क एंड यू पीपल नीड टू एक्सप्लेन देम. फिर हमने लिखा था न्यूक्लियर फैमिलीज है ना. डिस्पर्शन ऑफ द जॉइंट फैमिलीज टू द न्यूक्लियर फैमिलीज. ओके ये हो गए हमारे है ना रीजंस. कहते अब बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने ये स्टैट्स है जो बता रहा है कि रिसेंटली कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है इंडिया में. द प्रेजेंट अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच वॉज अनाउंस बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शन वॉज अबाउट वूपिंग 31 मिलियन. वो कहते हैं कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है तो वो कहते हैं कि ये जो बॉडी है CMIE ये मॉनिटर करती है और इसके अकॉर्डिंग 31 मिलियन जो है वो यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी है. ठीक है फोर पॉइंट्स एंड देन कितनी पॉपुलेशन स्टैट्स बता रहा है बड़ी है वो लिखना है. एजुकेशन सिस्टम. द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ओनली व्हाइट कॉलर जॉब. अब इसके पीछे रीजंस क्या है भी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. वो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं अच्छा है. यहाँ पे क्या है वो लोगों को जॉब मतलब एजुकेशन जो है ऐसे लोग कर ले आती है जिनके पास नॉलेज तो होती है पर उनको काम नहीं करना आता. अवर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर चर्निंग आउट डिग्री होल्डर्स हु आर नॉट इंडस्ट्री रेडी. मतलब वो क्या है उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है बट वो इंडस्ट्री में आके काम नहीं कर सकते. बस उनके पास डिग्रीज हैं रट्टे लगा लिए क्रैमिंग कर ली नंबर आ गए बस. देर इज अ क्राइंग नीड फॉर द स्किल इन अवर यूथ टूडे सो दैट दे कैन बिकम एम्प्लॉयबल. मतलब स्किलफुल बंदा चाहिए जिसको काम करना आता हो. अगर काम करना आता होगा तो ही वो बंदा जो है ऑब्वियसली यू कैन से एम्प्लॉयड बनेगा. ऑब्वियसली वही लोग जो है वो काम करेंगे. इनफॉर्मल सेक्टर. द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर चंक ऑफ द इकोनॉमी है ना. इनफॉर्मल सेक्टर डीमोनेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ GST सर्व्ड अ हैवी ब्लो टू द कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इनफॉर्मल वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. इनफॉर्मल सेक्टर्स वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करी हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे बिजनेसमैन को. वो कौन सी चीजें हैं डीमोनेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ GST. मतलब उनको 18% टैक्स देना पड़ेगा इफ दे नीड टू डू द बिजनेस. उसमें क्या है अगर वो कहते हैं चंक मीन्स होता है टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है उनके बारे में बात की गई है. वो कहते हैं छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनकी बात के कारण ये चीजें बनाई गई हैं. ठीक है तो वो कहते हैं कि यही बात है भी जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स थे या छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनके लिए बहुत मुश्किल था. क्यों मुश्किल था. इसलिए मुश्किल था बिकॉज वो इतना टैक्स पे करके बिजनेस नहीं कर सकते. उनका जो है जो उनका प्रॉफिट लेवल है वो भी बहुत कम है. वो प्रॉफिट लेवल इतना ज्यादा नहीं है. ठीक है अगर प्रॉफिट लेवल ज्यादा हो तभी बात है ना. तभी वो इतना टैक्स भी पे कर सकते हैं. जो लोग मतलब सिर्फ इतना ही कमा रहे हैं कि उनका घर चल सके और अगर उनको टैक्स पे करना पड़े
नो, दीज आर नॉट द सेकेंडरी रीजन, दीज आर ऑल्सो द रीजन, बट ये रीजन ये आएंगे कि क्यों जो है यू कैन से कि अनएम्प्लॉयमेंट दिनों दिन बढ़ रही है. एक तो डीमोनेटाइजेशन के कारण बढ़ रही है और जीएसटी के कारण बढ़ रही है. क्यों? जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या एंटरप्रेन्योर थे जो पहले बिजनेस कर रहे थे वो अब नहीं करते हैं. रीजन ये है कि वो इतना टैक्स नहीं दे सकते. और पहले डीमोनेटाइजेशन जब नहीं थी तो लोगों के पास पैसा था. नाउ द ऑल द मनी इज द वाइट मनी. इफ दे नीड टू इन्वेस्ट इन अ बैंक इन एनी ऑफ द बिजनेस, अदरवाइज द गवर्नमेंट विल आस्क देम व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर डू दे हैव इन्वेस्टेड द मनी. So that is the only reason that they people now have become unemployed and their families have also become unemployed, because earlier those families are totally dependent upon their family business, but now they don't have any income source. Getting my point? फिर है पॉलिटिकल एस्पेक्ट. ड्यू टू द हाइटेंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इन द कंट्री हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी दैट डिस्करेजेस इन्वेस्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन. कहते ड्यू टू द हाइटेंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का मतलब क्या है? अब मेन बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि पोलराइजेशन क्या है जी, तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि पोलराइजेशन का मतलब है कि अब क्या है, टेक्नोलॉजी आई. पोलराइजेशन होता है कि नहीं, इट्स नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, बट दीज पीपल हैव अर्न द मनी इन द इलीगल वे, सो दैट इज वाई दे पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम. नॉट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. नो, नॉट एट ऑल. इन लोगों ने टैक्स नहीं पे किए हुए, करे होते तो उनको प्रॉब्लम आती ही क्यों? ठीक है, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आनी थी. उसके बाद हम लेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. उसके उसमें है ड्यू टू द हाइटेंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन समझा रही थी जिसमें ग्रुप ऑफ यू कैन से पार्टीज हो जाती हैं. मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है. एक लोग जो है वो क्या है, मतलब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनके अकॉर्डिंग सोसाइटीज है, कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं. और पोलराइजेशन का मतलब है कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहे हैं. सो देर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. तो वो कहते हैं ड्यू टू द हाइटेंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इन अ कंट्री हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी. ठीक है, उसके कारण क्या है कि एनवायरनमेंट में इनसिक्योरिटी आ गई है जो कि लोगों को डिस्करेज करती है ना. दैट डिस्करेजेस इन्वेस्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन. इसके कारण क्या है कि इन्वेस्टर्स जो है वो जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसा. ठीक है, इसमें आ रही है ना समझ? हाँ, अलग अलग तरह के लोग हैं, पार्टीज अलग अलग हैं. कुछ लोग हैं जिनको ट्रस्ट है, कुछ लोग हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है, कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. वो क्या है, वो मतलब इवन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा लेते हैं. बट कुछ लोग हैं जो इन चीजों पर ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली द ओल्ड एज पीपल, दे डोंट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द थिंग. So these are some of the reason which has led to the you can say polarization means poles bana dene. Poles ki hunda, ek konne ch ek te duje konne ch dusra, hai na. So different different sections de log hege ya, te inna karke bahut mushkil hega inna lokan da deal karna, te inna lokan de naal apa matlab you can say ki har koi inna nu trust kar sake. So that is why. आगे हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पोलराइजेशन डिस्कस कर दिया. ऑल्सो द सेक्टर्स वेयर इंडिया वॉज एन इंटरनेशनल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक बीफ एंड लेदर,
है ना, इज सफरिंग बिकॉज ऑफ एन इंटेंस राइट विंग वेव प्रिवेलिंग इन द कंट्री. कहते आगे क्या था, इंडिया जो था मतलब इंटरनेशनल प्रोड्यूसर था, मतलब ये प्रोड्यूस करके चीजों को आगे सेल करता था, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है कि अब जो है मतलब जैसे बिकॉज ऑफ द इंटेंस राइट विंग वेव, राइट विंग वेव का मतलब है कि एक ऐसा पॉल्यूशन का लेवल यहाँ पे अटेन हो चुका है कि अब ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, रिजल्टिंग इन मिलियंस ऑफ जॉब लॉसेस. तो ये लोग अगर हम इंटरनेशनली प्रोड्यूस करके इनको इनका ट्रेड कर रहे थे कुछ लोग, तो इसमें भी तो इन्वॉल्व ही होंगे. बट आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या है, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं. एज अ कंट्रीज हैज एज द इंडस्ट्री हैज टोटली कलैप्स्ड, इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, और जो लोग यहाँ पे काम करते थे और खूब अच्छा पैसा कमाते थे, दे पीपल आर नाउ अनएम्प्लॉयड. गेटिंग माई पॉइंट? ऑल दीज फैक्टर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट डिफिसिट इन द कंट्री. ओके, नाउ इट्स एन असाइनमेंट, मतलब सिर्फ 2 मिनट का एक क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से. आपको सबको क्लियर है? इनलिस्ट ऑल द पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, डिस्कस किए हैं, बट वो ऐसे नहीं है कि एक एक करके डालना है. 6 to 7 पॉइंट्स एक ही बार में डाल के एंटर प्रेस करो, ताकि मुझे पता चले किस बच्चे को समझ आई है पॉइंट्स. मैंने कहा मैंने एक एक पॉइंट नहीं चेक करना. आई वॉन्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स टूगेदर रादर बाय डिफरेंशिएटिंग देम विद द कॉमा. आई डोंट माइंड इट एट ऑल, बट आई वॉन्ट द पॉइंट इन कलेब्रेशन, ताकि मैं समझ आवे किन्नो सारे पॉइंट्स याद है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिहाइंड द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. यस प्लीज स्टूडेंट्स, यू हैव अटेंडेड द लेक्चर, टिप फटाफट से लिखो. गरिमा, वाओ, वेरी गुड, यू स्टूडेंट्स आर रियली लिसनिंग टू माई लेक्चर आई फील. कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसका क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं बनता व्हेन आई एम टीचिंग?
ठीक है जी, सो लेट्स डिस्कस अगेन बिकॉज आई थिंक दैट यू हैव एनलिस्टेड द पॉइंट्स, यू पीपल केम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड. अब हमने कहा कि प्रपोज स्टेप्स मतलब हम कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं. ठीक है, कहते हैं रीवैम्प एजुकेशन सिस्टम. मतलब क्या है, एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करो, थोड़ा सा उसको दोबारा देखो. द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ मेजर चेंज टू मीट इवॉल्विंग पैटर्न्स ऑफ डिमांड फॉर द जॉब. मतलब एजुकेशन सिस्टम को कुछ ऐसा बनाओ कि जो जॉब, जब आप बंदा जॉब करने जाए तो उसको जॉब मिल जाए. ठीक है, इस तरह सा बनाओ. Not only is there a requirement for reorientation of the curriculum, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब requirement है कि curriculum को दोबारा से बनाओ, being run presently, but also to took up a setting up and diversification of the courses in the various field to mix meet the explicit demand of the skill. वो ये कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं. पहली चीज तो है अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करें. बट एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए दे आर सेइंग दैट इट इज नॉट लाइक कि सॉरी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अपने करिकुलम को रिवाइज करना है. नो, वो कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लेके आओ. अगर हम कोर्सेज लेके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो जैसी जैसी स्किल्स जैसे इंडस्ट्री में चाहिए उनके ऊपर वर्क करेंगे, तो क्या है, बच्चा जब वो स्किल लर्न करके मार्केट में आएगा तो उसकी डिमांड होगी, उसको उसको बहुत जल्दी उसमें जॉब मिल जाएगी. अगर जॉब मिल जाएगी तो वो बंदा जो है वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो जाएगा. मतलब इस तरह से हम क्या, करिकुलम मीन सिलेबस. यस, वो कहते सिर्फ सिलेबस चेंज करने की लोड़ नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज भी चाहिए. उसको कोर्सेज इदां दे चाहिए जो कि मार्केट या इंडस्ट्री दे नीड दे अकॉर्डिंग हो, ताकि बच्चे नू जो चीजा एक इंडस्ट्री च जान तो पहले आनिया चाहिदियां वा, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिखा के भेजे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, like practical work, vocational courses, obviously. Why not? Delivery mechanism of education needs improvement. The quality of education. अब क्या कहते हैं, delivery mechanism मतलब जो teacher पढ़ाती है उसमें भी improvement चाहिए. The quality of education being imparted and infrastructure requirement, especially for the government-run educational institutes, need to close examine for and intensive upgrade. वो कहते हैं कि government institutes ऐसे हैं जिनको बहुत closely देखना चाहिए और उनमें जो infrastructure चाहिए वो provide करना चाहिए और उनका जो education system है, the way the teachers are teaching, that should be monitored. Simply by opening more schools under the right to education with pathetic infrastructure and incompetent teachers. कहते सिर्फ right to education मतलब हर बच्चे नू right आ education दा, ते उदे according जैसा अपना लोकी या population हैगी या under the particular age मतलब under the age of 14, उसे सा अपना school खोली जाओ, but वो जड़े school जा उन्हें तो बहुत गंदा infrastructure होवे, teachers जड़े उते पढ़ांदे या ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ. ਹੂ ਹੈਵ ਲੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜ਼ੀਲ ਟੂ ਟੀਚ ਇਨ ਅ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ. ਤੋ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਇਨ, ਹਾਊ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਟੂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ. ਹਮਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨਮੇ ਐਡਹੋਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੈ ਲੇਤੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੈ ਲੇਤੇ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ. ਤੋ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਜੋਬ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ. है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो जिनको आता है, जो इतनी डिग्रीज करके आती है, वो नहीं पढ़ाते. क्यों नहीं पढ़ाते है? क्योंकि उनका चेक ही नहीं है, गवर्नमेंट चेक ही नहीं रखती, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं रखती. अगर गवर्नमेंट ध्यान रखे तो उनको ना हो जैसे प्राइमरी स्कूल, मतलब जैसे यू कैन से दैट
प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वैसे वो पढ़ाएं, होगा ना ऐसा? नो डाउट गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत इम्प्रूव कर लिया, बिकॉज थोड़ी थोड़ी उनके ऊपर वो होनी भी शुरू हो गई थी, इंस्पेक्शंस एंड ऑल दैट, है ना? अदरवाइज तो मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं था, हम सबको ये चीज पता ही है ना? पे एंड द पर्क्स ऑफ द टीचर मस्ट बी एट द हाइएस्ट स्केल, है ना? मतलब वो कहते हैं कि जहां जो टीचर है उसको हाइएस्ट स्केल मिलना चाहिए, ऑफरिंग देम अ स्टेटस, मतलब उसको मतलब इतना स्टेटस दो कि वो सिविल सर्वेंट के ऊपर भी ज्यादा जाए, मतलब उससे भी हाई स्टेटस दो ताकि वो दिल से पढ़ाए, बिकॉज उसी ने तो हर फील्ड में बच्चे खड़े करने हैं। अगर उनको ही सेटिस्फाइड सैलरी नहीं मिलेगी, सेटिस्फाइड स्टेटस नहीं मिलेगा, तो वो जितना उनको आता है वो डिलीवर ही नहीं करेंगे। अगर आपको चाहते हो कि एक बंदा फुल पोटेंशियल से काम करे, वो तभी पॉसिबल है जब उसके सारे जो यू कैन से नीड्स और डिजायर्स एक पर्टिकुलर जॉब से पूरी हो। इट गोज विदाउट सेइंग दैट देयर सिलेक्शन मस्ट फॉलो द मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रोसेस, ओनली द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट शुड बी सिलेक्टेड। वो कहते हैं इनको पे भी बहुत ज्यादा करो, इनको स्टेटस भी हायर सिविल सर्विसेंट से भी ज्यादा दो, बट इनकी जो सिलेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रिक्टली करो और बेस्ट वन को चूज करो, मतलब फ्रॉम द बेस्ट, बहुत सारे बेस्ट में से सुपर बेस्ट जो है वो सिलेक्ट करो फॉर देयर ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनके ऊपर एक ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने शेप करना है फ्यूचर नेशन को। आ रही है समझ मेरी बातों की? समझ आ रही है बच्चे? नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहते हैं अब बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली हम क्या है मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें वहां से भी पैसा आएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो विद गुड मार्जिन करते हैं, है ना? तो जो लोग उन इंडस्ट्रीज में मतलब काम करेंगे उनको क्या है एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए, एन इम्पेटस टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बूस्ट जॉब क्रिएशन इन अ वेरी मेजर वे। द मैन्युफैक्चरिंग हब्स बींग टॉक्ड अबाउट बाय द गवर्नमेंट अंडर द मेक इन इंडिया, है ना, कैंपेन शुड बी रूल्ड आउट विद अटमोस्ट अर्जेंसी। मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे कहते हैं मेक इन इंडिया, मतलब आगे हम कहते हैं ना मेड इन चाइना, हम कहते हैं बनाओ यहाँ पे बनाओ, ठीक है? तो वो कहते हैं इन चीजों के लिए क्या करना चाहिए, शुड बी रूल्ड आउट, है ना, विद अटमोस्ट अर्जेंसी। दीज मैन्युफैक्चरिंग हब्स विल ऑल्सो अरेस्ट अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ मास माइग्रेशन ऑफ द रूरल टू द अर्बन। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली जो फैक्ट्रीज हैं वो हम कहाँ लगाएंगे, अर्बन एरियाज में। अगर हम अर्बन एरियाज में लगाएंगे तो उससे क्या है माइग्रेशन भी होगी, लोग जो है वो विलेजेस से वो क्या करेंगे, वो विलेजेस से सिटीज में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वो सिटीज में शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, अगर फैसिलिटीज ज्यादा होंगी तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ यूथ कॉन्कुरेंट विद द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब्स विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग ए, मतलब अगर हमने कहते हैं हमने जो है फैक्ट्रीज लगानी है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए जो है हमारी जो टीम है वो भी स्किलफुल होनी चाहिए। अगर हमारी टीम जो है वो स्किलफुल नहीं होगी तो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम काम कर सकें, ठीक है? तो हमें स्किलफुल टीम के साथ आकर काम करना जो है वो जरूरी होगा। अगर हम वो करेंगे तभी हम पॉसिबल है कि हम लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकें। द एजुकेशन सिस्टम मस्ट फिट टुगेदर विद दिस डिमांड एंड आइडेंटिटी
द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स एट एन अर्ली एज. द एजुकेशन मतलब वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो देखे कि कौन से बच्चे की मतलब वैसे मार्केट में जैसे डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, मतलब बच्चे का स्कोप क्या है, बच्चा किस लेवल पे है, उसमें क्या स्किल्स हैं, और बहुत अर्ली एज में उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल के उसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग दी जाए, रादर देन मेकिंग देम रीड अनऑथेंटिक, है ना, भी बस पढ़ी जाओ रट्टे लाई जाओ, वो काम ना कराओ. आ रही है जी समझ? इंटरेस्टिंग है टॉपिक तो आज का. द एजुकेशन सिस्टम मस्ट फिट टूगेदर विद दिस डिमांड, है ना, कहते हैं एजुकेट एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, मतलब वो भी हो गया. स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फॉर द स्किल डेवलपमेंट आर वेल कंसीव्ड बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड. कहते प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना थी वो बड़ी अच्छी तरह से मतलब उसको यू कैन से पब्लिक किया गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, बट उसके ऊपर काम नहीं किया गया. अगर करते तो ऐसा ना होता कि थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम ना होती, ऑब्वियसली होती. ठीक है, इम्पावर रूरल इंडिया फॉर बेटर वर्क फोर्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. रूरल इंडिया मतलब जो रूरल प्लेसेस हैं उसमें भी बहुत अच्छी वर्कफोर्स होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सिटीज में ले आएंगे तो उससे क्या होगा, मतलब लोग जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे. अगर लोग माइग्रेट कर गए सारे के सारे सिटीज में तो सिटीज जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगी, तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्बैलेंस. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज अवर बैकबोन, इन अवर बैकबोन आर्गन सेक्टर कैन बी इंक्रीज थ्रू इंटेंसिव फार्मिंग, है ना, मतलब कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, यूजिंग टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग इरीगेशन फेसिलिटीज बाय रिवर वाटर लिंकिंग एंड माइक्रो इरीगेशन टू मेक मोर लैंड, है ना. तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, organizations of cooperative farming to overcome the problem of reducing land holdings and vocational skill training to prevent farm distress. cooperative farming मतलब क्या कि लोग मिलके farming कर लें, ताकि मतलब लोगों को क्या होगा कि मतलब farmers जो हैं वो मतलब stress में ना आ जाएं. ठीक है, the farmers must be skilled for an alternative employment that may be available in these manufacturing hubs. मतलब जो farmers है वो सिर्फ farming ही ना करें, वो और भी बहुत कुछ करें, जैसे कि you can say that, है ना, manufacturing hubs में भी काम करने के capable हों, ताकि उनको ये ना लगे कि अगर कल को ये चीज ना हुई तो वो क्या करेंगे, कैसे वो अपनी फैमिली को नरिश करेंगे. बिसाइड्स क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विल हेल्प टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द फार्मर्स ऑन द एग्रीकल्चर, है ना. स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो होनी चाहिए फार्मर्स के लिए, जिसके साथ क्या है वो डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए. ठीक है, द विलेज इंडस्ट्रीज सो प्लांड मस्ट प्रोड्यूस सपोर्ट मस्ट बिकम सपोर्टिव ऑफ द आइटम्स बींग फैब्रिकेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग हब्स. मतलब जो विलेज में इंडस्ट्रीज है वो ऐसी हो कि जैसे कॉटन वहां पे है तो उसको फैब्रिकेट करके सीधा बना बनो के ही गवर्नमेंट की तरह मतलब सिटीज में आए, सो दैट ये चीजें जो है वो हेल्पफुल होंगी. ठीक है, इनको पढ़ना भी, खुद भी पढ़ा करो जो चीज मैं पढ़ाती हूँ. सिर्फ ये ना सोचा करो कि यहाँ पे करा दिया और बहुत होगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सेल्फ स्टडी, पुटिंग टाइम ऑन द थिंग्स. क्यों नहीं आ रही भी वीडियो और वॉइस? आई थिंक इट इज एप्लीकेबल. और किसको प्रॉब्लम आ रही है? लेबर फोर्स यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द लीन पीरियड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट.
कहते हैं कि लीन पीरियड क्या होता है, हर जैसे मतलब कहते हैं ना कि खेती बाड़ी का जो एग्रीकल्चर का अब काम ज्यादा है, इसका अब सीजन है, इसका अब सीजन है, कहते हैं लीन सीजन में उनके लिए कुछ और काम होने चाहिए। कैसे? प्रोग्राम जैसे अफॉरेस्टेशन, रिक्लेमिंग लैंड, मतलब लैंड को दोबारा से प्रॉपर करना, ठीक करना, एक्सपेंशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज बढ़ा दो, एंड सो ऑन। दी स्कीम्स अंडर विच द अबव इज बीइंग डन ऑलरेडी, लाइक यू कैन से मिनरेगा रिक्वायर्स क्लोज स्क्रूटनी फॉर द नेसेसिटी ऑफ द वर्किंग। अब ऐसे रहने दो, अब सिर्फ ये लिखो कि लीन सीजन में मतलब इनको यूज करना चाहिए पब्लिक को, बाकी ये सारे काम करवाने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बंदे के पास होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अपने आप कुछ करना। स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप्स हैव बीन पुअरली इम्प्लीमेंटेड। मतलब वो क्या कहते थे कि ये वाली स्कीम्स आई थी स्टार्टअप इंडिया, मतलब इंडिया को कहा था अपने आप स्टार्ट हो, अपने आप खड़े हो, छोटे छोटे बिजनेस करो, उदे लिए लोन चाहिए तो तुम फ्री मिल जाएगा, जीरो बैलेंस से भी मिल जाएगा विद योर आईडी प्रूफ, कहते। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सारी चीजें जो थी वो मुश्किल थी। डिस्पाइट द स्कीम बींग अवेलेबल, 136 एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड, आउट ऑफ विच ओनली 502 वर बींग अप्रूव्ड। मतलब इतना माड़ा हाल है कि गवर्नमेंट इनिशिएट तो कर देती है, अगर कर देती है तो उसमें से इतने में से सिर्फ इतने लोग अप्रूव कर पाते हैं, करे मतलब इतने लोगों को सिर्फ लोन दिया, तो वो भी जो थी वो पुअरली इम्प्लीमेंटेड थी, जिसमें क्या आप 50% लोगों को भी नहीं मतलब सपोर्ट कर पाए। इट इज एसेंशियल दैट गवर्नमेंट कम्स अप विद मोर इनोवेटिव एंड डू डू एबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ विच कैन हेल्प जनरेट मोर जॉब्स फॉर अदर्स एज वेल। जिसके कारण क्या है कि अगर वो छोटे छोटे बिजनेस खोलेंगे तो वो क्या है, अकेले तो कर नहीं पाएंगे, किसी ना किसी को जॉब भी देंगे, तो इसके साथ साथ है हमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम कम होगी। इट हैज बीन एन ऑन गोइंग एंडेवर बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि ये ऑन गोइंग है कि गवर्नमेंट बता रही है कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों के पास, दे पीपल आर जॉबलेस, दे डोंट हैव द जॉब, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली, बट इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द सेक्शनल अप्रोच वेर ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज वर्किंग इन आइसोलेशन। वो कहते हैं कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने एरिया में काम करी जा रही है, अकेले अकेले इकट्ठे मिलके कुछ नहीं कर पा रही है, इसी कारण ये प्रॉब्लम जो है वो कभी भी हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। अ क्लोजर लुक एट द वेज टू टेकल द अनएम्प्लॉयमेंट, हमने जैसे ऊपर सारे दिखा दिए कि ऐसे ऐसे टेकल कर सकती है, तो इनके ऊपर क्लोजर लुक होना चाहिए और इनको प्रॉपरली यू कैन से प्लान आउट करके एक्शन लेने चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है ये काम कर सके। द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी एक्वायर्ड इन द डिजायर्ड फील्ड इज लिंक्ड विद द स्किल स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री, है ना। सो वो कहते हैं कि एजुकेशन की जो डिलीवरी है, ना मतलब एजुकेशन मतलब पढ़ाना, जो पढ़ाना है वो प्रॉपरली पढ़ाया जाए ताकि बच्चों के पास सिर्फ डिग्री ना हो, नॉलेज हो, स्किल हो और वो काम कर सके। हेंस अनलेस अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बेसिस इट्स करिकुलम ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री को चाहिए अगर जो एजुकेशन है वो उसके हिसाब से नहीं मिलेगी तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट जो हम लोग जो है वो स्किलफुल लोगों को लेके आ सकें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एजुकेशन सिस्टम शुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, देन एंड ओनली देन दीज पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। Therefore, many departments of the government will have to work in synchronized way to harness overpopulation dividend, है ना। तो वो कहते हैं कि इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि बहुत एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, एग्जैक्ट मीनिंग आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, एंटरप्राइजेस भी वही होते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस, ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और कुछ भी नहीं है। यस ऑनरशिप एंड ऑनर, तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजों के से ही हम लोग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर सकते हैं।
आपको समझ आया ये टॉपिक? बहुत मटेरियल है जो हमने पढ़ लिया, आई थिंक अ लॉट ऑफ डाटा वी आर हैविंग, अदरवाइज अगर हम इनको डिस्कस ना करें तो हमारे पास इतना अच्छा मटेरियल कभी आ ही नहीं सकता। हम लोगों ने लिटरल पॉइंट्स लिखने जो आप स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहे थे, और जो बच्चे इस तरह से पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे ऑब्वियसली देयर पैराग्राफ वुड बी क्रिएटेड अ डिफरेंशिएशन बिटवीन योर पैराग्राफ। ठीक है, सो टू हैव द हाई स्कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी एबल टू राइट इन अ गुड वे। चलो अब आप ऐसे करना कि इसको यार रिवाइज भी करना, ठीक है, और इसके नोट्स भी बनाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, फिर क्या हो गया? आपका तो रिवीजन ही हो रहा है। बेटा जी ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में एसेज आने हैं और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है एंड यू कैन से ग्रोइंग चैलेंज कि अनएम्प्लॉयमेंट, यू कैन से दैट राइट एन एसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट आ ग्रोइंग चैलेंज, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, रिवाइज दिस, मेक नोट्स ऑफ दिस एंड यू आर गोइंग टू हैव योर नेक्स्ट क्लास बाय 8:30। So having 20 to 25 minutes for your dinner, please have it. Good night. Take care. Bye-bye. GST. ऑब्वियसली जीएसटी लगता ही है। शिवम तुम तो बस ना हमेशा यही हो, फनी वेज। ठीक है जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जीएसटी। ठीक है, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, तुम इतना दिमाग तो चलाते। ओके बाय।